मेरे एक पेशेंट है आरजू नाम की, इसकी एज है 8 साल, 8 साल की। 8 साल, और ये मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम 29 अप्रैल को। और इस बच्ची को जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा श्वास का अस्थमेटिक थी, बैठने में भी इसको प्रॉब्लम थी। जब ये क्लिनिक में आई थी तो ये इतना खांस रही थी कि मेरे को खुद को ऐसा फील हो रहा था कहीं मुझे ना लग जाए। ठीक है, छींके, बलगम और थ्रॉट इरिटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में था। साथ में ये अपने आप से खुद ही परेशान थी, प्यास भी इसको बहुत ज्यादा लगती थी। ठीक है, इनके गार्जियन से इनसे बात कर सकते हैं, पूछो इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। ये हम यहाँ पे जी लेके आए थे तो बिल्कुल डाउन इसकी वो थी हालत, और हम जब से यहाँ पे आए हैं 1.5 महीने से इसको दवाई लगी है, बहुत अच्छे से इसको आराम है और अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम दोबारा आए हैं कि कोई बाकी इसका इसका कोई प्रॉब्लम क्या क्या थी वो बताओ। इसका श्वास था और खांसी बहुत ज्यादा थी और मलगम भी आ रहा था और प्यास व्यास भी बहुत लगती थी। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आज पूरी कंप्लीट फिट है यार, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अच्छा, इसको रात में भी सांस फूलती थी? हाँ जी ठीक है, खांसी ठीक है। और जो इसके सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, तो जैसे खांसी आ रही थी सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब इसको सांस लिया ही नहीं जाता, जैसे सांस रेगुलर जुड़ता है वो नहीं लिया जाता। मतलब इसको ये हालत हो रही थी जैसे इसका एकदम सांस रुक जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब की ये तकलीफ हो रखी इससे थी। पहले भी आप ट्रीटमेंट लिया था इसका? जी जी इससे पहले भी प्राइवेट चला था, और ये डॉक्टर थे शायद जीन में, जी वो डॉक्टर आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद। वो उनसे भी लिया था, कुछ ऐसा आराम नहीं हुआ। और गांव में भी कई साल तक हमने 2.25 साल की हमारे पास है, जब से हम इसका करवाए कहीं भी कोई आराम नहीं हुआ, मतलब यहाँ आके अब 1 महीने में बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट। हाँ फिट है। जी ओके,